महाशिवरात्रि के पर्व पर चकेतड़ी के मंदिर में जिस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, यहाँ पर भक्तों में जो एक उम्मीद है भगवान से मिलने की, एक इच्छा है जो भगवान से मिलने की, वो यहाँ पे बखूबी दिखाई दे रही है। हम इस वक्त चकेतड़ी के मंदिर में खड़े हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं यहाँ के जो भक्त हैं और किस तरह से यहाँ पर दर्शन किए जा रहे हैं, आइए दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। सर, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, कब से लाइन में लगे थे? सर, मैं कल रात से लाइन में लगा हुआ था, पर अब जाके मैंने दर्शन कर लिया भोलेनाथ के। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर साल आप दर्शन करते हैं? नहीं, आज पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे। सर, आपका नाम? पवन सिंह है। पवन जी, हर साल आते हैं महाशिवरात्रि की मौके पे यहाँ पे? बिल्कुल। तो पिछले साल और इस साल में फर्क देखने को मिला कुछ? जी बिल्कुल। पिछले साल इससे ज़्यादा हमें टाइम लगा था आने में, लेकिन इस बार ही जल्दी आ गए हम लोग। अच्छा सुविधा रहा, मतलब लाइन वाइज आने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या नाम है आपका? अजय। जी, अजय शर्मा। अजी, शिवरात्रि को लेकर ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है, एक तरह से लोगों के अंदर कितना उत्साह देख पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब हर साल नया उत्साह होता है, मतलब हर साल बहुत ही जनता उमड़ के आती है, मतलब इतना क्राउड होता है कि हम यहाँ पे बाजू ऐसे नहीं होती, मतलब कि दूध चलता ही रहता है पूरी रात, 12 बजे से शुरू होता है और अगले दिन शाम तक चलता ही रहता है। क्या नाम है सर आपका? सर शुभम। सर, कितने समय से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? सर, मैं बचपन से ही यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे को तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं, 23 साल की मेरी उम्र है, तो मेरे फादर साहब को 30-40 साल हो गए हैं, तो हम हर संडे आते हैं सेवा पे और यहाँ पे अपनी सेवा का योगदान डालते हैं। तो इस बार लंगर की सेवा देते हुए क्या क्या लोगों को दिया जा रहा है प्रसाद के रूप में? क्या क्या सर? प्रसाद के रूप में दूध है सर और फ्रूट है, ये सर शिवरात्रि पे यही दो चीज़ें चलती हैं। वैसे ऑन संडे नॉर्मल डेज में सर कढ़ी चावल प्रसाद का हर संडे के लिए वो लंगर होता है। क्या नाम है सर? चेतन सूद। सर, किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं? सर, कल रात से ही लगे हैं ड्यूटी कर रहे हैं हम अपनी, आपके सामने भीड़ लगातार बढ़ रही है, फिर भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, जितना से हो रहा है। अच्छा। कोशिश यही है कि कम से कम भीड़ कम हो पाए, ज़्यादा धक्का मुक्की ना हो, इसलिए हम प्रॉपर रात से ड्यूटी कर रहे हैं। शिवरात्रि को लेकर भक्तों में एक तरह का जुनून जो है वो आज के दिन देखा जा रहा है। इस वक्त सकेतड़ी के मंदिर की तस्वीरें आपने देखी, वहाँ के भक्तों ने, सेवादारों ने क्या कहा और किस तरह से वहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है उसको मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पर कोविड का जो असर है वो कहीं ना कहीं कम फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक साल होने को है, कोविड अभी भी चल रहा है और फिर भी लोग जो है आज भी वहाँ पर देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ किस तरह से लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो भक्तों के अंदर जुनून है, शिव रात्रि को लेकर जुनून है, जो भक्तों के अंदर चाह है भगवान के को मनाने की, उनके ऊपर जल चढ़ाकर उनको मोहित करने के लिए जो एक जुनून है वो बखूबी आज देखा गया है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।